सो गाइस आई एम रेडी एंड आज मैं एकदम मिनिमल मेकअप जो होता है ना वो मैं करूँगी। अभी मैं होटल के वॉशरूम में हूँ और मैं मेकअप कर रही थी तो सोचा साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, तो इसलिए और बिल्कुल मैं 4 से 5 प्रोडक्ट यूज करूँगी। कुछ तो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, तो ये दोनों हैं सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, तो ये मैं सबसे पहले अपने ऊपर यूज करूँगी। ये तो मस्ट होता है। जो बाकी जो मेकअप प्रोडक्ट है ना वो मैं एकदम मिनिमल यूज करूँगी। वो 3-4 प्रोडक्ट हैं जो मेरे मेकअप प्रोडक्ट हैं। तो ये हो गया मेरा मॉइस्चराइजर, इसको थोड़ी देर में ना एब्जॉर्ब होने दूंगी और इसके साथ साथ मैं लगाऊंगी ये अंडर आई क्रीम, ताकि जो मेरा अंडर आई है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहे। ये हो गया मेरा अंडर आई क्रीम और अब जो मेरे दोनों मॉइस्चराइजर अंडर आई क्रीम है वो दोनों एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम। एज आई हैव सेड कि मैं एकदम मिनिमल मेकअप यूज करूंगी, तो इसलिए मैं ये बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ क्योंकि ये होता है बहुत लाइट, तो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, किसी ब्रश की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये हल्का फुल्का जो है ना आपके डार्क सर्कल हैं तो वो भी कवर कर देता है। तो मैंने अपने इसको हाथों से ही ब्लेंड कर लिया है। आज मैं वोट देने गई थी तो उसका ही है, आज मेरी एनिवर्सरी के दिन ही मेरा इलेक्शन था तो वोट देना भी जरूरी है एनिवर्सरी के साथ साथ। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी कि कितना इजीली ब्लेंड हो चुका है ये। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इस पर लूज पाउडर यूज कर दूँ, बहुत हल्का सा, क्योंकि मौसम है समर वाला। ये पॉन्ड्स का ही पाउडर है। तो बेस तो मैंने तैयार कर लिया, अब है ब्लश लगाने की बारी। तो ब्लश मैंने लिया है लिप एंड चिक टिंट का, जस्ट हब का, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लश है, क्रीमी है और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, और ये ऑयली और जो ड्राई स्किन होते हैं ना दोनों के ऊपर ये मैच सूट कर जाएंगे, तो ये ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको आप लिपस्टिक और लिप एंड चिक की तरह दोनों तरह यूज कर सकते हो, लिप पे और चिक पे। तो दिस इज गुड ब्लश एंड लिप कलर। अब है इस पैलेट की बारी। इस पैलेट से मैं बहुत हल्का सा अपने फिंगर से ही आई शेडर यूज करूँगी, और मैं सोच रही हूँ कौन सा यूज करूँ। मैं थोड़ा सा ना डार्क कलर ही यूज करूँगी, मैं ये वाला कलर सोच रही हूँ यूज करूँ। और ये मेकअप मैं अक्सर यूज करती हूँ जब मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। मेकअप में यूजली यही यूज करती हूँ जो मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, बस कभी
बीबी क्रीम की जगह मैं कोई और फाउंडेशन या कोई और बीबी या सीसी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा जो स्टेप होता है ना वो यही होता है। और अब जो लिपस्टिक है वो मैं यूज करूँगी यही वाला लिप पेन चिक टिट। Now my lipstick is also done and अब बारी है लिपस्टिक, थोड़ा यहाँ कम पड़ गया तो लगा लो नहीं तो। अब मस्कारा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अगर आईब्रो सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप इतने मेकअप में यू आर रेडी टू गो एनी वेयर। और मैं अपना हेयर करती हूँ तो इसके लिए फॉन्ड से काटती हूँ। वॉशरूम में कॉम रखा था इनका तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मिडिल पार्टीशन करूँ या साइड पार्टीशन करूँ। ये हेयर स्टाइल मेरे लिए अभी न्यू है तो अब ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हमेशा वैसा सिंपल वाला हेयर स्टाइल लगती हूँ तो वो भी सूट करता है सिंपल वाला हेयर स्टाइल। अभी ये हेयर स्टाइल मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैंने वो जो शॉप पे गई थी सैलून में तो मैंने बोला था कि जिसने मेरे हेयर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगे ना वो वाला मुझे हेयर कट दे दो। उन्होंने बोला ठीक है, तो सच में उन्होंने ऐसा हेयर कट किया कि मेरे हेयर का वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लग रहा है। तो चलते हैं, अभी हमें जाना है एक्टिविटी के लिए तो वहाँ चलते हैं। और मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।